आज का टॉपिक है हमारा विलायक है उसमें द्रव अमोनिया जो विलायक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अमोनिया का जब स्ट्रक्चर को देखते हैं, अमोनिया अणु की स्ट्रक्चर, तो ये एक पिरामिडल संरचना का स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन होता है, उससे तीन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। तो इस कारण से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। द्रव अमोनिया के जल जैसे गुण और आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग विभिन्न कार्बनिक एवं अकार्बनिक संश्लेषणों में एक उत्तम विलायक की भांति किया जाता है। और हम यह देखते हैं कि अमोनिया में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण में तीन तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक sp संकरण के पास में एकक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। और ये पिरामिड आकार में ध्रुवीय अणु की रचना जैसा होता है। ये अमोनिया अणु के ध्रुवीय संरचना केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु के छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण अमोनिया अणु में प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रबल शक्ति होती है, अतः यह जल की तुलना में प्रबल क्षार होता है। साथ ही इसके अणु में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिससे अणु में निम्न प्रकार से इसका सहगुणन यानी एसोसिएशन हो जाता है। हम देख रहे हैं अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो एक साइड में तो हाइड्रोजन में कोवलेंट बॉन्ड या सहसे बंध के द्वारा जुड़ा हुआ और एक डोटेड लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ। तो जो डोटेड लाइन जुड़ा हुआ वो रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इस प्रकार के सहगुणन के कारण अमोनिया के गलनांक और द्रव्यमान के मान इस समूह के अन्य हाइड्राइड PS3S, S3SbS3 आदि की तुलना में उच्च होते हैं। यद्यपि जल की तुलना में ये मान कम होते हैं, इसलिए ये जल की तुलना में दुर्बल विलायक है, अन्यथा ये एक उत्तम विलायक होता है। तो यह आवरणीय हम देख रहे हैं, इसमें इनके भौतिक गुणों के बारे में बता रखा है। अमोनिया और जल की तुलना कर रखी है, जैसे हिमांक इनका 195.2 के होता है केल्विन होता है, 273 केल्विन जल का होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 239.6 केल्विन होता है और जल का 373 होता है। डायलेक्ट्रिक से 22 होता है जबकि जल का बहुत ज़्यादा 81 होता है। डायपोल मोमेंट इसका 1.48 d होता है और उसका जल का 1.84 होता है। इसमें आपेक्षिक क्षारता इसकी 0.24 जल की 1 होती है। द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलयशीलता को हम जब देखते हैं तो पहला देखते हैं अकार्बनिक यौगिक जो है जल की तुलना में द्रव अमोनिया के डायलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान कम होता है, अतः यह आयनिक यौगिकों के लिए अधिक उत्तम विलायक नहीं है। आयोडीन जैसे खूब सारे इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इसमें विलयशील होते हैं। द्रव अमोनिया में हैलाइडों की विलयता का घटता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। आयोडाइड सबसे ज़्यादा विलयशील होता है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद फ्लोराइड्स होता है। कोलाइडों में सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड की विलयशीलता होते हैं। सल्फेट, फास्फेट, बहुऋणायनी लवणों को छोड़कर शेष अमोनिया लवण इसमें विलयशील होते हैं। क्षार धातुओं के एमाइड को उनको छोड़कर से समस्त धातु के एमाइड द्रव अमोनिया में अविलय होते हैं। क्षार धातुओं में से भी लिथियम का एमाइड इसमें अविलय ही रहता है। नाइट्रेट, थायोसाइनेट, परक्लोरेट तथा अधिकांश साइनाइड लवण इसमें विलयशील होते हैं, जबकि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट यौगिक इसमें अविलय होते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द्रव अमोनिया में एल्कोहल, हैलोजन व्युत्पन्न, कीटोन, एस्टर, सरल ईथर, फिनोल तथा उसके व्युत्पन्न विलयशील होते हैं। एरोमेटिक यौगिक सामान्यतया इसमें अल्प विलयशील होते हैं। थर्ड है इसका धातुएं तथा अधातुएं। क्षार धातुएं, क्षारीय मृद धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, AU, ER आदि धातु, तो इन जिनके आयनन विभवता उत्पादन ऊर्जा का मान कम तथा विलायक ऊर्जा का मान अधिक हो द्रव अमोनिया में विलयशील होते हैं। फास्फोर, सल्फर, आयोडीन जैसे धात्विक तत्व तो इसके साथ क्रिया करके इसमें घुल जाते हैं। द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन देखते हैं। द्रव अमोनिया को देखते हैं तो इसमें NH4+ प्लस NH2-, इसका पॉजिटिव पार्ट NH4+ होता है, नेगेटिव पार्ट NH2- होता है। तो ये ऑटो आयनाइजेशन पाया जाता है इसका। इसके आयनन की मात्रा जल के स्वतः आयनन की तुलना में कम होती है। जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड आयनन गुणों प्लस जो उसका होता है H3O+ NOS- का मान 1×10⁻¹⁴ होता है, जबकि द्रव अमोनिया के लिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड आयनन गुणनफल NH
फोर प्लस और एन एस टू माइनस का मान 1.9 × 10³³ होता है। द्रव होने में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखते हैं तो इसमें जो विलायक के रूप में द्रव होने उपयोग करते हैं प्रमुख अभिक्रियाएं होती हैं। पहली है विनिमय या उत्क्षेपण अभिक्रिया। जल तथा द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलायकता में अंतर होने के कारण द्रव अमोनिया में कई ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है जो अन्यथा विलायक जल में संभव नहीं होती है। ऐसी कुछ अभिक्रियाएं जैसे द्रव अमोनिया में पोटेशियम हाइड्राइड और अमोनियम क्लोराइड के विलयन में KCl का श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। Ki+NH4Cl लिक्विड अमोनिया KCl+NHI। फिर है द्रव अमोनिया में विभिन्न नाइट्रेटों के विलयन भी किया जाता है। स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है तो अमोनियम ब्रोमाइड डाला जाता है, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड का श्वेत अवशेष होता है। इसी पर द्रव अमोनियम सोडियम कार्बोमेट का अवशेषण भी होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि द्रव अमोनिया में प्रोटोन ग्राही के रूप में भी अभिक्रियाएँ पाई जाती हैं। द्रव अमोनिया में दुर्बल अम्लों अथवा उदासीन यौगिकों प्रोटोन ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। जल में अणुओं में से प्रोटोन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होने के कारण ही जल में अमोनिया की अत्यधिक विलयशीलता होती है। अमोनिया प्लस टू हो तो NH4+ + OH- तो प्रोटोन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता के कारण ही द्रव अमोनिया में कई पदार्थ प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं जो जलीय माध्यम उदासीन दुर्बल क्षारीय या दुर्बल अम्लीय हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें है एस्टिक अम्ल जल में दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसके अणु जलीय माध्यम विलायक जल H3O+ की अत्यंत कम मात्रा मुक्त करते हैं जबकि द्रव अमोनिया में प्रोटोन ग्रहण करने की प्रबल शक्ति के कारण एस्टिक अम्ल के अणु में इनके विलायक धनायन की अत्यधिक मात्रा NH4+ अधिक मात्रा होती है। तो जलीय माध्यम में एस्टिक अम्ल दुर्बल मुक्त करता है लेकिन लिक्विड अमोनिया में यह प्रबल क्षार की भांति प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है अमोनिया। इसी प्रकार एस्टेमाइड और यूरिया भी जलीय माध्यम में दुर्बल क्षारीय होते हैं जबकि अमोनियम ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। सिनोलेमाइड भी जलीय विलयन में दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है। अमोनीकरण अभिक्रियाएं तथा अमोनोएट सल्फेट की अमोनिया से क्रिया कराते हैं SO2 फिर अमोनेट बनता है इसमें। इसी प्रकार SiF2 अमोनिया से SiF4 और DO2NH। तो इस प्रकार ये अभिक्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार अमोनिया की तुलना में उत्तम इलेक्ट्रॉन दाता है। अमोनिया जो है जल से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता होता है अतः जलयोजित अंकुल आयन यदि द्रव अमोनिया के संपर्क में आए तो जल के अणुओं का अमोनिया अणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे कॉपर 2+ है इक्वस या यूँ है CuS2O/4 2+। जब अमोनिया से क्रिया कराएं तो CuNH3/4 जल के अणुओं का अमोनिया द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है इसमें। जैसे सिल्वर का इक्वस सॉल्यूशन है वो भी अमोनिया से किया जा सकता है। फिर अमोनिया अपघटन अभिक्रियाएं देखते हैं हम तो SiCl4+S@अमोनिया तो SiNH2/4+NH4+Cl-। तो इस प्रकार अमोनीकरण अभिक्रियाएं होते हैं। अकार्बोनिलाइड का अमोनी अपघटन देखते हैं हम। कई अकार्बोनिलाइड की अमोनिया अपघटन अभिक्रियाएं का अध्ययन किया जा चुका है जैसे BX3 6 अमोनिया तो BNH2/3+3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड X। कार्बन हैलाइड का अमोनिया अपघटन RX+2 अमोनिया तो RNH2+अमोनियम हैलाइड्स। तो कार्बन हैलाइड को भी कवनांक बिंदु पर अमोनिया अपघटन होता है और प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों का होता है। उपयुक्त अतिक्रिया क्षार धातुओं के हाइड्राइडों एवं ऑक्साइडों का भी अमोनिया अपघटन होता है जैसे MH को अमोनिया से किया जाता है MnH2+ हाइड्रोजन। अम्ल क्षार अभिक्रियाएँ होती है इसमें जो इसमें देखते हैं तो ऑटोआयनाइजेशन NH4+ NH2- बनता है। तो उसमें इस पर डिपेंड करता है कि इसका कौन सा पार्ट दे रहा है। जो अम्लीय पार्ट देता है यानी पॉजिटिव पार्ट देता है वो अम्लीय तरह व्यवहार करता है। जो NH2- पार्ट देता है वो उसकी तरह नेगेटिव पार्ट की तरह व्यवहार करता है। धन्यवाद।